हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत टकरिया और फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर होते हैं उसको आप किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। आज मैं उसके बारे में आपको इस यूट्यूब में अपने वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देख लीजिए ताकि जो है आपको आपके यूट्यूब चैनल को जो है थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल जाए और आप जो है उससे अपने किसी भी वीडियो को जो है वायरल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड या कुछ किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड वीडियो डालूँ तो वो वीडियो कहीं आपसे आपको पहुँचने से कहीं दूर ना रह जाए। तो इसीलिए आप जो है इस यूट्यूब वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अगर अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को अगर डिसेबल कर देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उस बारे में आप आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब मानिए कि आपने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, अब उसमें जो है 0 सब्सक्राइबर होंगे, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? आप अगर कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, भाई बंदे के पास तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, बंदा एकदम नया है, तो जो है ये जो है अच्छा जो है कंटेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, मतलब किस तरीके का बताएगा, अच्छा बताएगा गलत बताएगा, तो लोग जो है इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। अब बड़े बड़े यूट्यूबर की बात करें तो भाई उन लोगों का जो है सब्सक्राइबर जो है मिलियनों में है, लाखों में है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके जो है सब्सक्राइबर ही देख के जो है मालूम कर लेते हैं कि बंदे को कितना नॉलेज होगा इस बारे में और कितना नॉलेज नहीं होगा। वही एक तरफ आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अगर कितने भी अच्छे वीडियो डाल दें, आपके चैनल पर अगर एक भी सब्सक्राइबर अगर नहीं देगा तो किसी भी बंदे को शक होगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही देगा कि नहीं देगा। तो इस वजह से है आप जो है अपना सब्सक्राइबर को जो है डिसेबल करके रखिए ताकि जो है किसी भी बंदे को दिखे ना, और वो जो है सब्सक्राइब भी कर दे तो आपको जो है मालूम पड़ जाए, और जब भी सब्सक्राइबर आपका जो है 1000 से पार हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा 1000, तब जाके अपना सब्सक्राइबर जो है आप इनेबल कर दीजिए ताकि किसी को भी दिखे कि हाँ भाई बंदा कुछ जो है किसी मुकाम पे पहुंच गया है, अब जो है इसे इनेबल कर देना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप जो है किस तरीके से उसको इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ और सिंपली आपको जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में कोई भी गलती ना रह जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपको सिंपली करना क्या है कि अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपको वहाँ पे यूट्यूब जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है ओपन कर लेना है। देखिए, मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है, ये हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एकदम साइट अपने राइट कॉर्नर पे आ जाना है और आपको जो है ये आइकन दिख रहा है ना, ये आइकन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये आइकन हमारा खुल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम अपने चैनल पर चले जाते हैं, जैसे कि भाई हम अपने इस चैनल पर चले जाते हैं, फंकी भाई के चैनल पर। मैंने अपना सब्सक्राइबर जो है डिसेबल शायद नहीं किया है, मैं आपको जो है उसमें करके बता देता हूँ। ये देखिए, हम इस पर आ गए। अब सिंपली जो है हम वापस इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमने इस पर क्लिक किया। अब हम क्रिएटर स्टूडियो पे जाएंगे। ये देखिए, हम क्रिएटर स्टूडियो पे आ गए। ये देखिए, ये हमारा खुल चुका है। अब हम सिंपली जो है यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है और हमें चले जाना है यहाँ पे चैनल पे। ये देखिए, हम चैनल पे आ गए, ये हो गया। अभी जो है हमारा मोनेटाइजेशन जो है इनेबल है या नॉट इनेबल है, तो हम सिंपली जो है चैनल पे क्लिक किया। हम सिंपली फिर से थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए एक एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करना है और एकदम सबसे नीचे देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैंने देखिए अभी यहाँ पर मेरा जो है डिसेबल किया हुआ है, तो अगर आपका अगर डिसेबल नहीं होगा तो आपका जो ये टिक मार्क है ना, ये आपका यहाँ पे रहेगा ऊपर वाले पे, जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आपका आपका अगर डिसेबल नहीं है तो आपका वहाँ पे रहेगा, मैंने डिसेबल करके रखा है इसके लिए मेरा नीचे है। आपको डिसेबल करना है तो आपको सिंपली नीचे वाले डॉट पर क्लिक कर देना है जहाँ पर लिखा है डू नॉट डिस्प्ले द मेम्बर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, वहाँ पर डॉट कर देने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, सेव में क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव में क्लिक कर देंगे
तो आपका ये देखिए ये टोटल काम हो गया। अब आपको सिंपली बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स देखा आपने आप किस तरीके से जो है इजीली जो है अपना यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जो है डिसेबल कर सकते हैं, और इसका फ्रेंड्स कोई भी नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। आप जब तक इसे डिसेबल रखना चाहे आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी नियम कानून लागू नहीं है कि आप जो है एक टाइम तक ही इसे डिसेबल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये हमारे यूट्यूब का नॉलेज आपको अगर कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगा तो आप नीचे नीचे कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आपका अगर कोई भी मतलब सवाल जवाब हो तो आप वो भी मुझे लिख के बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बस भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।